ओके अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे थॉर्नडाइक जी ने ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है उसके अंदर थ्री लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट्स। यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस होता है तत्परता, ठीक है। इन्होंने ये तीन नियम दिए थे लर्निंग के कि सीखना क्या है और किसके द्वारा बच्चे की लर्निंग कराई जा सकती है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। इसके अंदर थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि किसी भी बच्चे की लर्निंग अगर करवानी है तो सबसे पहले बच्चे को रेडी करना ज़रूरी है, बच्चे को खुद से तत्पर होना ज़रूरी है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बच्चे को मान लीजिए लॉ की पढ़ाई करवाना चाहते हैं या फिर किसी को डॉक्टर बनवाना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, तो बच्चा जब तक खुद ही मोटिवेट नहीं होगा उस चीज़ के लिए, बच्चे का खुद ही मन नहीं होगा कि हाँ मुझे लॉ पढ़नी है या मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से करेगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चे को आपको उसके बेनिफिट्स, उसके मेरिट डिमेरिट्स या उसके बारे में कुछ चीज़ें बता के, कुछ पिक्चर्स दिखा के, कुछ ऐसी चीज़ें समझा के बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना है, इस तरह से रेडी करना है कि बच्चा खुद उस काम को सीखने के लिए रेडी हो। आपको बोलना ना पड़े कि नहीं आपको लॉ पढ़नी है, ज़बरदस्ती ना करनी पड़े उसके साथ, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप फोर्सफुली कोई काम करवाएंगे तो बच्चा क्या है, एक दिन उसको कर लेगा, ठीक है मैम ने बोला या मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है कर लो, फोर्सफुली एक दिन कर लेगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक ना वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा ना उस पर प्रॉपर अपना फोकस रख पाएगा। तो इसीलिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम, उसके अंदर पहले बच्चे को आपको रेडी करना है कि आपको उसका इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करना है कि बच्चा खुद ही उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी हो। अब अगर आप क्लास में जाते हैं, अपनी प्राइमरी की क्लास है आपकी, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास या कोई भी है, आप उसके अंदर मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं या साइंस का, तो जाते ही आपने क्या किया, क्लास में गए फटाफट बुक ओपन करी और बच्चों ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे ओपन करो और उसके बारे में फटाफट बस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे क्या है उसके लिए रेडी नहीं है, आपने क्या चीज़ पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है, किस लिए पढ़ानी है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया, तो बच्चे क्या है उस चीज़ को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बच्चे सिर्फ सुन लेंगे, समझ लेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, उनको आता होगा बताएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है कि बच्चों को पहले उसके लिए रेडी करना है, आपको जाके क्लास में ये पता करना है कि बच्चों का उस वाले टॉपिक में कितना इंटरेस्ट है। अगर बच्चे उसको सीखने के लिए पहले से इंटरेस्टेड है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप जब उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे सीखेंगे। लेकिन अगर बच्चे उस टॉपिक को सीखने के लिए रेडी नहीं है तो एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी करें। अब आप रेडी कैसे कर सकते हैं, उनके उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं, कोई स्टोरी सुना सकते हैं उससे रिलेटेड, कोई मूवी चार्ट और ये सब दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं उनके मन में जिससे बच्चों को वो चीज़ सीखने के लिए इंटरेस्ट आए। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी सिखाना है प्लस माइनस का, और मैंने जाके क्लास में डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया कि प्लस, चलिए बच्चे आज हम प्लस पढ़ते हैं, माइनस पढ़ते हैं, डिवाइड पढ़ते हैं, तो बच्चों को शायद ऐसे ना समझ में आए। तो आप उनको रेडी करने के लिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप क्लास में जब जाएं तो बच्चों से उनकी डेली उस कॉन्सेप्ट को उसकी डेली लाइफ से रिलेट कर दें, उनको एक ऐसी प्रॉब्लम में डाल दें, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें ताकि बच्चे खुद रेडी हों जानने के लिए, इच्छुक हो, इंटरेस्ट हो उनका, एक माइंड में सस्पेंस क्रिएट हो जाए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आप उनको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है आप मार्केट में गए, आपको फ्रूट्स दिख गए या आपको इंस्टेंट याद आ गया कि आपको कुछ सामान लेना है और आपने ले लिया, ठीक है, और आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं,
और शॉपकीपर से आपने पेंसिल्स ले ली, शॉर्पनर ले लिया या कोई भी सामान ले लिया और उसका बिल हो गया 20 रुपीज़, ठीक है, और आपके पास है 50 रुपीज़, तो बताओ आपको वो कितने रुपए वापस देगा। तो बच्चे के माइंड में क्या है, एक सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा कि हमें क्या पता कितने देगा, कैसे देगा, और वो बच्चे सोचने लगेंगे ओएमजी अगर मैं कभी मम्मा के साथ चला गया या कुछ मेरे को पसंद आ गया, मेरे को कोई टॉय पसंद आ गया तो मैं कैसे लूँगा, मेरे पास पैसे तो हैं या मम्मा दे देती हैं तो मैं कैसे करूँगा। तब आप उनको सिखा सकते हैं कि बच्चे तब आप यहाँ पे प्लस का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप माइनस का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि बच्चे को पहले आपको रेडी करना है कि बच्चा का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, बच्चा सीखने के लिए रेडी हो कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है। तब उस सिचुएशन में बच्चे को बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और वो क्या है, खुद अपनी प्रॉब्लम जो है डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। अब थॉर्नडाइक ने इसके बाद बोला था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का नियम। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर थॉर्नडाइक जी ने बोला था कि फर्स्ट आपको पहले बच्चे को रेडी करना है कि बच्चा रेडी हो जानने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके अंदर जो सस्पेंसेस हैं वो क्रिएट हो, माइंड में जो थॉट्स हैं या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो उनको खुद सॉल्व कर सके, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। बच्चा जितनी बार उनकी प्रैक्टिस करेगा, जितना उनको डेली लाइफ में यूज़ करेगा, जितना उनको अप्लाई करके देखेगा, वो नॉलेज बच्चे की उतनी ज़्यादा परमानेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बच्चे को रेडी करने के लिए आप उसके माइंड में कोई सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप अपना कॉन्सेप्ट कोई भी पढ़ा दें, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो मैथ साइंस का, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, बच्चे को एनवायरनमेंट पढ़ाना है और मैंने बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा दिया कि एनवायरनमेंट कैसे हार्म होता है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं और आपको ट्रीज़ क्यों लगाने चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देन आप उनको अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। आप उनको क्या बोल सकते हैं कि चलिए ऐसी कोई 5 चीज़ों के नाम पता करके लाइएगा कल, या एक चार्ट बना के लाइएगा, या उनकी कटिंग करके लेकर आइएगा, जैसे पॉलीथीन वगैरह जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो बच्चे क्या है, उनको जब अपनी डेली लाइफ में करके देखेंगे, कलेक्शन करेंगे, तो बच्चे को पता होगा कि हाँ पॉलीथीन हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो सकती है, और मिट्टी, खाद, सॉइल्स, ये वाली अच्छी चीज़ें हैं, क्यों अच्छी हैं, हमें कचरा अलग अलग जो हम आज जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं वो अलग रखना चाहिए, जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं वो अलग रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनकी डेली लाइफ में आप यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, बच्चों को चार्ट बनाने के लिए, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको चार्ट वगैरह नहीं बनाने के लिए दे सकते, लेकिन आप थोड़ी वो ओरली उनको लर्न करने के लिए दे सकते हैं कि मम्मा से पूछ के आइएगा कि कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हैं, कौन सी 5 चीज़ें हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, ऐसी चीज़ें तो वो बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा आपको 5 बताए, लेकिन 1 या 2 कुछ तो बताएगा। तो इसीलिए ये वाले सेकेंड लॉस हमारा क्या कहता है कि बच्चे को अभ्यास करना आना चाहिए कि बच्चा जब उस चीज़ को सीख जाए तो वो अपनी डेली लाइफ में उसको बार बार प्रैक्टिस कर सके, अपनी डेली लाइफ से उसे कनेक्ट कर सके। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि बच्चे को जो आप एक बुकिश नॉलेज दे रहे हैं वो उसकी डेली लाइफ में अगर बच्चा यूज़ करता है तो वो उसकी परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है, बाद में उसे कभी भी इन फ्यूचर उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट इसका है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम।
प्रभाव के नियम में क्या बोला है थॉर्नडाइक ने, लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बोला है, जो चीज़ें बच्चे के लिए अच्छी हैं, जिनसे बच्चे को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है बच्चे के लिए, वो चीज़ें क्या हैं उसके माइंड में सेट हो जाती हैं और वो और उसको सीखने के लिए आगे के लिए रेडी रहता है। लेकिन जिस सिचुएशंस में बच्चे के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती हैं या नेगेटिव हो जाते हैं कुछ चीज़ें, तो बच्चा उससे दूर भागने लगता है। तो वहाँ पर क्या आता है, हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे को बोलते हैं आफ्टर 18 किसी को बाईसाइकिल सीखनी है, मोटरसाइकिल चलानी सीखनी है, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने मोटरसाइकिल चलानी सीख रहा है, ठीक है, जब सीखने के बाद वो पहली बार अकेला अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में लेकर जाता है, बाहर जाता है आउटिंग के लिए, या फिर मार्केट उसकी मम्मा भेज देती हैं, और उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है या उसको फेस ख़राब हो जाता है या कुछ भी एक्सेट्रा, मतलब उसके साथ कोई अच्छी कंडीशंस नहीं रही होती उस सिचुएशन में, तो बच्चा क्या है उससे खुद डरने लगता है। वो नेक्स्ट टाइम क्या सोचेगा, मुझे बाइक नहीं चलानी, नहीं मुझे नहीं चलानी, मैंने सीख ली, ठीक है मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, मुझे नहीं चलानी, अब नहीं चलाऊंगा मैं कभी भी, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चे को एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला उसको फ्यूचर में दोबारा करने के लिए रेडी ही नहीं होता, सोचता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर बच्चे को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, मान लीजिए मैं अब पढ़ाई कर रही हूँ, अगर कोई बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और उसका प्री क्लियर हो जाता है, तो वो क्या है, बहुत खुश होगा कि हाँ मैंने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आईएएस के लिए पढ़ाई करी थी और मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, तो बच्चा क्या है आगे उसको करने के लिए खुद रेडी होगा। प्री क्लियर हो गया तो बच्चा सोचेगा खुद ही कि ओ मैं मेंस की अब तैयारी करनी है। बच्चे को आप खुद ज़बरदस्ती वहाँ पर फोर्सफुली कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे का खुद का रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव रहा, खुद इतना इफेक्टिव रहा उसका रिजल्ट कि बच्चा खुद से ही रेडी है आगे मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ हमारा यूज होता है, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। अब आपको ये थॉर्नडाइक की थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो हमारी प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है वो हमारा थॉर्नडाइक जी ने दिया है। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, इन्होंने कैट के ऊपर किया था, उसको एक जो कैट थी वो हंगर थी, उसको एक पिंजरे में कैद किया गया था जिसके सामने उसको खाना रखा गया था, जिससे अगर भूखी बिल्ली के सामने आप खाना रख दोगे तो वो तो तड़पेगी ही ना खाना खाने के लिए। किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसी चीज़ रख दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसकी नीड है तो वो तो मरेगा ही उसको लेने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने दो पॉइंट्स रखे थे, सिलेक्शन और कनेक्शन। ठीक है, इन्होंने जो कैट के लिए वो जो पिंजरे से बाहर तक का था तो इन्होंने दो पॉइंट रखे थे, सिलेक्शन होना चाहिए पहले, उसको चुनाव करना आना चाहिए कि कौन सी सही चीज़ है, देन कनेक्शन करना आना चाहिए कि उसको गेट को ओपन करके मैं खाना प्राप्त कर सकती हूँ। इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक जो थे वो तीन लॉज दिए थे। फर्स्ट था हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, कि बच्चे को रेडी करना है कोई भी चीज़ सीखने के लिए, अंदर से मोटिवेट करना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। सेकंड था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास करना है, जब आप उसको रेडी कर लेंगे उसको कोई चीज़ सिखा देंगे तो इस तरह से सिखाएं कि बच्चा उसको अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सके, उसको प्रैक्टिस कर सके, उसकी एक्सरसाइज कर सके, ताकि वो उसकी परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो पाए। लास्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। अब उसके जो लास्ट में जो उसको इफेक्ट मिलता है अपने द्वारा सीखी गई लर्निंग का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो वहाँ पे वो रोल प्ले करता है कि बच्चे को आगे सीखने के लिए बच्चा कितना रेडी होता है या फिर नहीं होता है। तो वो वाला हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट के थ्रू हमारे लिए बच्चे के लिए यूज़फुल है कि बच्चे को पॉजिटिव अपने लिए आगे फ्यूचर में रखना है या नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।